गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों को धमाकेदार मिलने वाला है। मतलब आज होगा फूड चैलेंज, प्रॉपर फूड चैलेंज। और होगा किसका? डॉग वर्सेस ह्यूमन फूड ईटिंग चैलेंज। मतलब सुल्तान और मेरे बीच में चैलेंज होगा, एक डॉग और एक ह्यूमन का चैलेंज होगा आपस में कि कौन कितनी जल्दी खाना खाता है। तो गाइस, हाँ आप सही समझे, ये होने वाला है फूड चैलेंज। तो गाइस, फूड चैलेंज होगा हम मेरे और सुल्तान के बीच में। बाकी गाइस, अभी मुझे ना मंदिर जाना था, तो मैं मंदिर जाता हूँ। मंदिर जाके अपने लिए पूजा करता हूँ कि गाइस आज मैं ही जीतूं। आई होप सो मैं ही जीतूं, क्योंकि गाइस मेरी भी कुछ इज्जत है, तो मेरी इज्जत बनी रहे सुल्तान, क्योंकि गाइस बहुत बेवकूफों की तरह खाना खाता है, पूरा निकलता है वो खाना। बाकी देखते हैं कौन आज जीतता है। बाकी मैं मंदिर जाता हूँ गाइस, घर पे वापस आता हूँ, और पार्सल भी आना था एक अभी थोड़ी देर बाद। बाकी गाइस मैं फटाफट जाता हूँ, फिर घर पे आता हूँ, तब बाकी आपसे मिलते हैं गाइस। तो भाई सुल्तान के लिए भी सामान ले लिया, अब इसको लेके चलते। देखो कितने मजे से बैठे, अब इसका फेस भारी होना शुरू हुआ है, ये देखो। ओ ओ तो गाइस, अभी ना एक पार्सल आया था, तो पापा ने बताया था शाम को पार्सल आया है, मैं घर पे नहीं था। ये पार्सल आया कि हमने वैक्यूम क्लीनर मंगवाया था। किसे मंगवाया था? अमेज़न से मंगवाया था। किसे मंगवाया था? अमेज़न से मंगवाया था। टेप तो नहीं लगा रखा अमेज़न को? लगा तो भाई यार, इसने इनांसा कंपनी का है ना बेटे, वो हटा दिया ना ऊपर से मैंने। अंदर भी लोकल टेप लगाया, निकालो भाई। वाह, नाइस हमारा कलर कितना प्यारा है इसका, क्या है? रेड है कलर, रेड कलर चेरी रेड कलर गाइस, शाइनी कलर है ये, तो बहुत प्यारा कलर है। और भाई हमने सिर्फ सुल्तान के चक्कर में मंगवाया था, क्योंकि ना गाइस ये जब गाड़ी में जाता तो बाल 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 हर जगह बाल, तो इस चक्कर में हमने वैक्यूम क्लीनर मंगवा लिया, तुरंत तुरंत गाड़ी साफ हो जाएगी। बार बार गाइस हमें ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना पड़ता था, तो वहाँ पे वो लोग तो इतना महंगा खर्चा बताते हैं हर समय ड्राई क्लीनिंग का, ड्राई क्लीनिंग मतलब भाई वॉशिंग का। तो हमने ये मंगवा लिया, ये अंदर से पूरी गाड़ी के बाल निकाल देगा, बाल के साथ साथ खाल भी निकाल देगा गाइस। बढ़िया कलर है यार, ये ऐसे लग रहा है कोई रेसिंग बाइक का टैंक। देखो इसके अंदर सारे इक्विपमेंट है, इसके सब लगाने का अटैचमेंट है सारे, सब ये पाइप दो दे रखे हैं, ये लंबा करने के लिए ना, क्या जैसे वो गाड़ी के अंदर सीट के नीचे मारना है पाइप को लंबा करने अच्छा, के लिए अच्छा। और ये पाइप हो जाते हैं, ये तो वो हो गया, ये पीछे डस्टबिन है, ये क्या गम लगा हुआ उसके अंदर, ये उसके अंदर फिट हो जाता है मशीन के अंदर, से फिट हो जाएगा एक लगा वो ये पता नहीं क्या, ये पीछे का पाइप लगाने के लिए है यार, पीछे लगाने को गाइस सब पता है। ये पहले इसी कंपनी में काम करते थे 10-15 साल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है तुमने सब कुछ पता है इस कंपनी के बारे में। ले चुका हूँ बॉम्बे में, लिया था शेव ना, बॉम्बे में लिया था भैया ने। अच्छा अच्छा, तो सेम ऐसे ही आया वहाँ पे भी। अच्छा, तो आप ही ने करवाया होगा वो, एजेंट किया। अच्छा, एजेंट का काम करते थे आप वहाँ पे। चलो भाई, ये आपको अनबॉक्सिंग दिखा दी अभी गाइस, टेक्निकल गुरुजी की अनबॉक्सिंग दिखाई है मैंने आपको। मतलब इससे अगर मैं तेरे को पकड़ूंगा ना इसे पाइप से, तो पतला होकर इसके अंदर आ जाएगा। मैं यार और पतला हो गया भाई, देखो हाथ कितने पतले हुए, चोट के चक्कर में आ जाएगा, वेट कम हो गया चोट के चक्कर में। चलो भाई इसको साइड वाइड करते हैं। बाकी गाइस ये सुल्तान की टेबल लगाई, ये मेरी टेबल, अभी यहाँ पे बैठ के हम लोग फूड ईटिंग चैलेंज करेंगे। ये जो सामान लेके आया गाइस आज, ये चिप्स है, ये एक सुल्तान का, एक मेरा, एक ओरियो सुल्तान का, एक ओरियो मेरा, एक चॉकलेट उसकी, एक चॉकलेट मेरी। 15 दिन में एक बार खिलाते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, एक हफ्ते में खिलवा सकते हो। अच्छा। अगर डॉग डेली मीठा नहीं खाता। अच्छा तो, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक की अगर मिल्क लिया है मैंने उनके लिए। गाइस हमने ना कोल्ड ड्रिंक नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक क्योंकि कहते हैं डॉग्स के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह अच्छी नहीं होती है, तो हमने उसके लिए अल्टरनेट में हमने मूल मिल्क जैसे नहीं आते हमने वो ले लिया। बाकी गाइस ये मीठों के लिए मत कहना प्लीज, क्योंकि हमें पता है गाइस कि डॉग्स को मीठा नहीं खिलाना चाहिए। बाकी आप हफ्ते में एक बार खिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल खिलाना ही नहीं है, आप खिला सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में खिलाते हैं। अभी जैसे हमने ये खिलवा दिया तो महीने भर बाद हम लोग नहीं खिलाएंगे। आज का जो चैलेंज है वो ह्यूमन वर्सेस डॉग ईटिंग चैलेंज, ईटिंग चैलेंज कौन पहले। तो गाइस आज का चैलेंज का नाम रहेगा ह्यूमन वर्सेस डॉग फूड ईटिंग चैलेंज। तो ये कुछ आइटम्स है, और बाकी गाइस पापड़ वगैरह है, जो बड़े साइज के पापड़ होते हैं बिल्कुल, उसका भी चैलेंज होगा। और गाइस सैंडविच होगा, और एक नॉर्मल रोटी का चैलेंज होगा, जैसे जो ह्यूमन रोटी होती है जो हम लोग खाते हैं, तो एक रोटी कौन कितनी जल्दी खा सकता है, ये या मैं। तो चलो भाई आज देखते हैं, मुझे तो लग रहा है वैसे मैं ही जीतूंगा, सुल्तान भी जीत सकता है। देखो मेरा सुल्तान जीतेगा, मेरा सुल्तान जीतेगा। मैं बताता हूँ आपको गाइस, चॉकलेट जैसी चीजों में तो वो जीत सकता है, क्योंकि वो ना पता क्या करता, वो सीधा निकल जाता है, तो उन चीजों में वो जीत सकता है। बाकी चिप्स वगैरह में मेरे पास शायद से चांस है या नहीं है, है जीत सकता हूँ मैं। बाकी देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि वो भी मेरा छोटा दोस्त ही है, मैं तो दोस्त ही मानता हूँ उसे गाइस, वो भी मेरा दोस्त ही है, वो जीते तो मुझे खुशी होगी। दादाजी रेफरी है, कितने गोरे हैं दादाजी। तो गाइस अभी दादाजी रेफरी है, दादाजी आप नहीं करोगे चैलेंज? मैं बताऊंगा कौन जीता। हाँ आप कहाँ देख रहे हो? आपकी तरफ। अच्छा वैसे कौन जीतेगा? मेरे ख्याल तो हमें जितवाना चाहिए उसको, जितवाना चाहिए, या तो रेफरी बिका हुआ है गाइस, या तो गाइस रेफरी बिका हुआ है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
ये देखो मेरा तो जीतू दा जीतू, मेरा तो हार ही है। यहाँ पे तो रेफरी बिके हुए हैं, ये देखो भाई सुल्तान ने, सुल्तान के प्यार ने रेफरी को भी खरीद लिया गाइस, देखो कितना प्यारा डॉग है हमारा। चलो भाई अभी फटाफट ये जगह रेडी करते हैं और यहाँ पे सुल्तान को लेके आते हैं। तो गाइस अभी चैलेंज का पहला आइटम है पापड़, ये जो बड़े वाले पापड़ होते हैं, एक मेरे पास आएगा पूरा का पूरा पापड़ और एक पूरा का पूरा पापड़ सुल्तान को, हाँ तोड़ के रख दो उसके बाउल के अंदर चला जाए। अब गाइस ये सुल्तान का आ गया, ये मेरा आ गया। चलो भाई अब इसको बुलवाते हैं, सुल्तान की एंट्री हो गया, अब देखते हैं सुल्तान और मुझ में से कौन चले खाता है। मेरे हिसाब से तो भाई खा जाएगा, ये साला हबशी है, बाकी देखते हैं। मैं गाइस आज बिल्कुल कुत्तों की तरह ही खाऊंगा, बिल्कुल तगड़े तरीके से, बाकी देखते हैं। सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, रन जल्दी खा, हार जाएगा, जल्दी कर जल्दी कर भाई, सुल्तान नहीं खाऊंगा, खा लेगा खा लेगा सुल्तान भाई, मैं सुल्तान को जीतना चाहिए। जल्दी कर ले जल्दी कर ले सुल्तान भाई, हरि ओम, मेरा सुल्तान जीत जाएगा। सब सुल्तान की तरफ है मानस, सुल्तान जीतो कान को मजा आया, सुल्तान जीत गया बेटा, सुल्तान जीत गया पापड़ चैलेंज में। सिर्फ खाने में हम तो कंसंट्रेट किया हुआ है मानस, मानस मुझे लग रहा है मानस आगे आ गया। सुल्तान सुल्तान जल्दी कर दे, सुल्तान भी खाने में मस्त है। कौन जीता भाई, कौन जीता, कौन जीता, दोनों इक्वल आ रहे हैं मेरे को लग रहा है, इक्वल है कचरा मानस के ऊपर नहीं। चलो भाई अभी राउंड टू चालू होगा, राउंड करते हैं। चलो भाई चैलेंज, अच्छा सुल्तान को समझ आ रही है जैसे कि चैलेंज हो रहा है ना, खाली उसने सुल्तान ही जीतेगा आज लग रहा है मुझे। उरे वाले में लगा था मेरा चांस है जीतने का, उरे वाले में मुझे इसमें भी लगा था। तो भाई अभी राउंड मूव कर रहे हैं, तो भाई अभी बिल्कुल साबुत रोटी लिया, किसी की चीटिंग नहीं होगी कि सुल्तान पे, तो हम थोड़ा तरस खाएंगे उसको टुकड़े करके दे दे, पूरी रोटी सुल्तान की पूरी साबुत रोटी मेरी। और अभी चैलेंज जरा मूव करते हैं और देखते हैं कि सुल्तान कह रहा है व्हाट इज नेक्स्ट। तो बाकी गाइस अभी चैलेंज की तरह मूव ऑन करते हैं, साबुत रोटी का चैलेंज देखते, तू बोल ले भाई पहले, तो अभी देखते हैं साबुत रोटी कौन कितनी जल्दी खा पाएगा। चले शुरू करें, 1 2 3 अरे अरे, तो बाकी है सुल्तान रोटी वाले भी वही जीत गया, तीसरे राउंड में भी सुल्तान ही जीता है। सुल्तान गाइस अब थोड़ा अकड़ में आ गया, बोला अब मैं हूँ यहाँ का राजा, तुम लोग कुछ नहीं हो अब। तो गाइस अभी राउंड फोर की तरफ चलते हैं और राउंड फोर तो चॉकलेट, बाकी अभी चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट कौन कितनी जल्दी खा पाएगा। बाकी गाइस ये वाली रही मेरी चॉकलेट, चॉकलेट का देखते कौन कितनी जल्दी खा पाएगा। चलो चलो शुरू करते हैं फटाफट से, 3 2 1 कैसे देखो वो चैलेंज कितना अच्छा कर रहा है सुल्तान। अरे यार जीत गए हो, ये जवान ही रखते हैं यार, ये कुछ भी कर सकते हैं, हर चैलेंज में जैसे जीत रहा है वो, हर चैलेंज जीत रहा है। बाकी गाइस दिक्कत क्या है, बाकी गाइस दिक्कत क्या है, ये ना चॉकलेट जो है मैं चबा नहीं पाता हूँ, मतलब मैं क्या कोई भी नहीं चबा पाया एकदम से, हार्ड मतलब ऐसी होती है ना चिपचिपी, तो निगल नहीं सकता हूँ। और गाइस ये चॉकलेट जो है ये निगलता है, कोई लग रहा है जीरो से हारूंगा मैं, मेरा एक भी राउंड जीतने का नहीं है। सुल्तान का तो, और हाँ सब लोग ये मत कह रहे हैं स्टील की बर्तनों में ऐसे खा रहे हो, ये पुराने पुराने सुल्तान के चक्कर में खा रहे हो, सुल्तान के हाथ में सब जो कांच की क्रॉकरी है वो गिर टूट जाएगी, कल भी आएगी मेरी बाय खत्म। बाकी गाइस ये दो ड्रिंक्स हैं, इसका हम अब चैलेंज करेंगे, सेवेंथ और फाइनल राउंड है ये, सेवेंथ राउंड शुरू करते हैं, 3 2 1 चल ले आओ, मैं थोड़ा आराम से करूंगा, मुझे पता है मैं पी जाऊंगा। अबे जल्दी कर, वो जीत जाएगा सही वाला। बेटा खाता रहे अब, मुझे पता था ये वाला मैं जीत जाऊंगा, फाइनल राउंड। हम तेरे को बॉल में डाल के देते रहे दिखाते चीप से जाट। अरे भाई ये क्या बात हुई, तो देखो नहीं ऐसा है, सुल्तान ने निकला नहीं निकला, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुल्तान ने निकली और इसने खाई है, मैंने खाई है भाई चॉकलेट गाइस, उसने पूरी निकल गया, पूरी निकल गया।
कहीं तो ह्यूमन भी जीते। अब जाके खत्म किया इसने। हाँ, कहीं तो ह्यूमन भी जीते। एक राउंड तो जीता, जीरो से नहीं आना इज्जत बचनी नहीं। मुझे पता था इसमें मैं जीत जाऊंगा। आखिरी राउंड क्योंकि गाइस 7-0 से हारता ना। बहुत शाबाश बेटा, शाबाश तेरे बच्चे, शाबाश। बिना तो यही है, बिना तो यही है। देखो आखिरी जीतने वाला ही जीतने वाला होता है। देखो रेस कितना भी कोई भाग ले, जो एंड में पहुंचता वही तो जीतता है। देखो एंड में मैं जीता। तो गाइस आज का विनर हूं मैं। अच्छा तुम चले कछुआ चाल, लेकिन खरगोश जो है भाई मैं आराम करके बैठ गया, लेकिन तुम चलते रहे कछुए की तरह। भाई जीता तो भाई ना कुछ भी, मतलब 7th round में जीता, आखिरी राउंड जो जीतता है वही जीतता है। फालतू की बातें ध्यान मत दिया। तो चलो भाई आज का राउंड, लेकिन मेरा बच्चा जीत गया भैया, मेरा बच्चा जीता बहुत। चलो चलो इसको भी दे देते जी। तो भाई आज का विनर है, इसके रुको मैं हाथ खड़ा करूँ। तो भाई आज का विनर है सुल्तान। चलो भाई आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस हम जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम समर बाजी के आगे जाएंगे, तो ट्यून रहिएगा वीडियो से। भाई गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।